परम भल्लुक है सर्वान मत्स्यान एकलह एव एखादत, किंतु भालू ने सभी मछलियाँ अकेले ही खा ली। एव मने ही मत्स्यान मछलियाँ एकलह अकेले परम पर या किंतु कह सकते किंतु या लेकिन भालू ने सभी मछलियाँ अकेले ही खा ली। भल्लुकस्य व्यवहारेण सर्वे दुखिता एवं भालू के व्यवहार से सभी दुखी हुए। परम चतुर श्रृगालः प्रतिशोधाय संकल्पम अकरोत्, किंतु चालाक या चतुर सियार ने प्रतिशोध का संकल्प किया। प्रतिशोध यानी बदले का संकल्प किया या बदले की ठान ली, बदला लेने की कसम खा ली या प्रतिशोध का संकल्प कर लिया। संकल्प माने वही बच्चों कि संकल्प ले लेना किसी चीज़ का, है ना। किंतु चतुर श्रृगालः प्रतिशोधाय संकल्प अकरोत्, चतुर सियार ने प्रतिशोध यानी बदले का संकल्प ले लिया कर लिया। सह तस्य समीपम गत्वा स्नेहीन एवदत्, उसने उसके समीप जाकर प्यार से कहा। किसने किसके समीप? श्रृगालः ने, सियार ने किसके समीप जाकर? भालू के समीप जाकर, समीप मतलब पास जाकर, प्यार से स्नेहीन प्यार से एवदत्त कहा। गत्वा जाकर, तो उसने यानी किसने? सियार ने भालू के पास जाकर स्नेह से प्रेम से कहा, मित्र यदि तुम मत्स्यान इच्छसी तरही मया सह आगच्छ, कि मित्र यदि तुम्हारी मछलियों की इच्छा है तो मेरे साथ आओ या चलो, मेरे साथ चलो। लोभी भल्लू कह श्रृगालेन सह अगच्छत, लालची या लोभी भालू सियार के साथ गया। श्रृगालः बहु दूरम गत्वा हिमे एकम गर्तम अकरोत्, सियार ने बहुत दूर जाकर बर्फ में एक गर्त माने गड्ढा अकरोत किया। सियार ने बहुत दूर जाकर एक गड्ढा किया। भल्लुकम च एवदत्त, च माने और भालू से कहा, एवदत्त कहा या बोला, और भालू से बोला या कह सकते हैं और भालू से कहा, मित्र अरे मित्र अत्र नीचे बहवे मत्स्य संति, या नीचे बहुत अधिक बहुत सारी मछलियाँ हैं। त्वम गर्ते उच्छम निधाय शांत भावेन उपविश, त्वम तुम गर्ते गड्ढे में उच्छम पूँछ निधाय डालकर या रखकर शांत भावेन उपविश, शांत भाव से बैठो। तुम गड्ढे में पूँछ डालकर या पूँछ रखकर शांत भाव से बैठो। श्वह प्रभाते, श्वह माने कल, फ्यूचर वाला आने वाला कर, टुमारो श्वह टुमारो है ना आने वाला कल, कि कल प्रभाते सुबह में यदा पुच्छम दृढ़ भविष्यति, जब पूँछ दृढ़ हो जाएगी मजबूत हो जाएगी, तदा एकम द्वे त्रीणी गणित्वा पुच्छम बलेन कर्षयसि, तब एक दो तीन गिनकर गिनकर पुच्छम पूँछ को बलेन कर्षयसि, बलपूर्वक खींचना जोर से खींचना। कह रहे हैं कौन कहता है? ये सियार कह रहा किससे? भालू से। भालू मछली के लालच में उसके साथ आ गया था ना, तो सियार ने बर्फ में बहुत दूर जाकर एक बर्फ में गड्ढा किया उससे छिपकर, और फिर क्या कहता है कि इस गड्ढे में जो है बहुत सारी मछलियाँ हैं नीचे, तुम अपनी पूँछ इसमें डाल के बैठ जाओ, शांत भाव से बैठ जाओ, और सुबह जब पूँछ दृढ़ हो जाएगी मजबूत हो जाएगी कैड़ी हो जाएगी, तब तुम एक दो तीन करके खींचना बलपूर्वक जोर से खींचना, है ना। पुच्छम बलेन कर्षयसि, कर्षयसि माने खींचना, बलेन बलपूर्वक पुच्छम पूँछ, तो एक दो तीन जैसे आप बच्चों कुछ रेस वेस लगाते हो ना, 1 2 3 बोल के दौड़ते हो, उसी तरह से वो कह रहा है, उसका उल्लू बना रहा है कौन? सियार। किसका? भालू का, कि एक दो तीन गिनना और जोर से अपनी पूँछ खींचना। जब हम कोई कंपटीशन करते हैं तो ऐसे तरह दौड़ते हैं ना, जब रेस लगाते हैं 1 2 3 एकदम स्टार्ट, तो वही बात वो कह रहा है। सर्वे मत्स्या बही आगिमिष्यन्ति, सर्वे मत्स्या सभी मछलियाँ बही बाहर आगमिष्यन्ति आ जाएंगी। वो कह रहा गड्ढे के अंदर नीचे बहुत सारी मछलियाँ हैं, तुम अपनी पूँछ डाल के बैठो, और सुबह सवेरे जब सुबह कल सुबह पूँछ जब कैड़ी हो जाएगी दृढ़ हो जाएगी, तो एक दो तीन कह के जोर से बलपूर्वक अपनी पूँछ को खींचना, सर्वे मत्स्या बही आगमिष्यन्ति, सभी मछलियाँ बाहर आ जाएंगी। लोभी भल्लुक है तथैव करोति, लालची या लोभी भालू ने वैसा ही किया, वैसा ही करता है वो, करोति करता है, लोभी या लालची भालू वैसा ही करता है। रात्रौ हिमपात भवति, रात में खूब बर्फ गिरती है, हिमपात मतलब हिमपात है, हिम माने बर्फ, पात है माने गिरती है, हिमपात होता है, हिमपात को कहते हैं बर्फ गिरना को कहते हैं हिमपात, भवति होता है, रात में हिमपात होता है यानी बर्फ गिरती है। हिम है मंदम मंदम पुच्छस्य उपरि दृढ़म भवति, जो बर्फ़ है धीरे धीरे पूँछ के ऊपर कैड़ी होती जाती है, दृढ़ होती जाती है, होती है।
है ना, वो पूंछ गड्ढे में उसने डलवा दी थी तो उसके ऊपर बर्फ जम गई। तो हिम या बर्फ जो है धीरे धीरे मंद मंद धीरे धीरे पुछस से ऊपरी पूंछ के ऊपर दृढ़ भवती, दृढ़ हो गई, मजबूत हो गई, बर्फ जम गई काफ़ी। सह एकांते चिंतियती, उसने एकांत में सोचा। श्वह किसने सोचा? बालू ने। श्वह प्रभाते कि कल सुबह, सुबह मैंने बच्चों बता दिया टुमारो श्वह, और यह मतने होता है, यह माने होता है कल जो बीता हुआ यस्टरडे, तो यहाँ कह रहे श्वह कि सुबह प्रभाते, श्वह नहीं कल प्रभाते सुबह में बहु ने मत्स्यान प्राप्स्यामी एकल एव खादिष्यामी, कि कल सुबह बहुत सी मछलियाँ प्राप्त करूँगा और अकेले ही खा जाऊँगा, एव माने ही एकले अकेले ही खादिष्यामी खा जाऊँगा अकेले। मैं सोच रहा है एकांत में जब उसने पूछ उसमें गद्दे में डाल के बैठ गया और रात में खूब बर्फ गिरी, बर्फ हिमपात होती और बर्फ पूछ पे जम गई, पूछ दृढ़ हो गई, तो सोचने लगा एकांते चिंतियती, उसने एकांत में सोचा श्वह कल सुबह बहुत सी मछलियाँ प्राप्त होंगी, प्राप्त करूँगा और एकल एकले है एव खादिष्यामि अकेले ही खा लूँगा। प्रभात है भवती सुबह होती है, दूरात एव श्रृंगालय पृच्छति दूर से ही सियार श्रृंगालय, नोट बच्चों श्रृंगालय है, दूरात एव श्रृंगालय पृच्छति दूर से ही सियार पूछता है मित्र भल्लुक, दूरात एव श्रृंगालय पृच्छति दूर से ही, दूरात दूर से ही एव मने ही श्रृंगालय सियार पूछता है, दूरात एव श्रृंगालय पृच्छति दूर से ही सियार पूछता है मित्र भल्लुक पुच्छम भारी अस्ति नवा, कि मित्र भालू पूंछ भारी हुई या नहीं, भारी है या नहीं। भल्लुक है प्रसन्नतया प्रतिवदति, भालू बड़ी खुशी से उत्तर देता है, प्रतिवदति जवाब देता है, भालू प्रसन्नतया खुशी से या प्रसन्नता से उत्तर देता है, जवाब देता है, आम आम हाँ हाँ, मम पुच्छम बहु भारी अस्ति मेरी पूंछ बहुत भारी है। श्रृंगालय है हसित्वा कथ्यति सियार हंसकर कहता है तरही एकम द्वे त्रीणी गणयित्वा कर्ष बलेन कर्ष, क्या कहता है श्रृंगालय, क्या कहता है श्रृंगालय हंसकर, उसे पता है उसने क्या चलाकी के लिए, तो वो हंसते मुस्कुराते हुए कहता है हंसकर कि श्रृंगालय हसित्वा कथ्यति, हंसकर कहता है तरही तो एक दो तीन गिनकर जोर से बल लगाकर खींचो, खींचो बलपूर्वक खींचो, तो एक दो तीन गिनकर खींचो बलपूर्वक खींचो, जोर से खींचो, हंसकर कह रहा है ये। अद्य अद्य सर्वे मत्स्यः तव एव भविष्यन्ति, अद्य अद्य सर्वे मत्स्यः तव एव भविष्यन्ति, अद्य माने आज सर्वे सभी मत्स्यां मछली तब एव तुम्हारी ही, एव माने ही भविष्यन्ति होंगी, आज सारी मछलियाँ तुम्हारी ही होंगी। भल्लुक है दीर्घम निश्वस्य गणयति, भालू दीर्घम निश्वस्य लंबी सांस लेकर गणयति गिनता है, एकम द्वे त्रीणी एक दो तीन पूर्ण बलेन च कर्षति, च माने और पूरे बल से पूरे जोर से कर्षति खींचता है, कर्ष माने तो खींचना। भालू लंबी सांस लेकर गिनता है एक दो तीन और पूरे जोर से खींचता है, तस्य मुखम रक्तम उसका मुंह लाल हो जाता है, भवती होता है हो जाता है या होता है या हो जाता है, उसका मुंह लाल हो जाता है पूरे जोर से अपनी पूंछ खींच रहा है। से पुनः बलेन कर्षति, पुनः माने दोबारा बलेन जोर से या बलपूर्वक, वह दोबारा बलपूर्वक खींचता है जोर से खींचता है। अकस्मात टक इति शब्द भवति, अकस्मात अचानक टक ऐसी ध्वनि या ऐसी आवाज़, इति माने ऐसी शब्दम शब्द भवति होता है, अचानक टक का शब्द होता है, टक इस तरह का या टक का शब्द या टक जैसा शब्द होता है। भल्लू के भूमो पतति, भालू जमीन पर गिरता है। स उत्थाय पृष्ठे मत्स्यान पश्यति, वह उठाए उठकर पृष्ठ पीछे मछलियों को देखता है, मछलियां देखता है। एकम अपि मीनम न पश्यति, एक भी मीन, मीन माने मछली, मत्स्य माने मछली, मीन माने मछली। एकम अपि मीनम न पश्यति, एक भी मछली को नहीं देखता है। पुनः यदा पश्यति, दोबारा से जैसे देखता है, तदा सपुच्छम न दृष्टवा,
अपनी पूंछ को नहीं देखता है। सह चिंतित व चिंता करता है, अहो एतत् किम, अरे यह क्या, कुत्र मम पुच्छम, मेरी पूंछ कहाँ है। सह वारम वारम भ्रमित्वा पुच्छम अन्वेषति, परम पुच्छम न पश्यति, वह बार बार भ्रमित्वा घूमकर पूंछ को खोजता है, अन्वेषति देखता है या खोजता है, परम पर किंतु पुच्छम न पश्यति, पूंछ को नहीं देखता। जैसे कुत्ते देखे बच्चों, घूमते हैं राउंड राउंड घूमते हैं अपनी पूंछ को पीछे पीछे, जैसे रेत में तो रेत हाथ उससे अपने पंजों से हटाते हैं, और कभी कभी देखा होगा जब मस्ती टाइम में होते हैं, खुश होते हैं, तो अपनी पूंछ को के पीछे ही घूमते रहते हैं, गोल गोल राउंड मारते हैं। उसी तरह से इसने भी बार बार घूम के अपनी पूंछ को देखा, पर अपनी पूंछ को नहीं पाया, नहीं देखा। घूम घूम कर भ्रमित्वा घूम घूम कर पुच्छम अन्वेषति, पूंछ अन्वेषति खोजता है या ढूंढता है या देखता है, ढूंढता भी अन्वेक्षण माने ढूंढना खोजना है ना, वारम वारम बार बार भ्रमित्वा घूम कर पूंछ को खोजता है या ढूंढता है, परम पुच्छम न पश्यति, किंतु पूंछ को नहीं देखता है। वराकः भल्लुकः लज्जया वनम प्रति अगच्छत्, वराकः माने बेचारा, भल्लुकः भालू, लज्जया लज्जा से शर्म से वन की ओर चला जाता। वराकः भल्लुकः, वराकः बेचारा, भल्लुकः भालू, लज्जया लज्जा से या शर्म से वनम प्रति वन की ओर अगच्छत् चला जाता है। बेचारा भालू शर्म से वन की ओर चला जाता है। तदा पर्यंतम ए भल्लुकस्य वंशे कस्यापि पुच्छम न भवति, तदा पर्यंतम तब से लेकर अब तक, तब से ही कह लो बच्चों, तदा पर्यंतम एव तब से ए मन ही, तब से ही भल्लुकस्य वंशे भालू के वंश में कस्यापि पुच्छम न भवति, किसी की भी पूछ नहीं होती है। ये मनगणंत कहानी उसने सुनाई थी, किसने, मदारी ने, किसको, एक बच्चे ने जब प्रश्न किया तो सभी बच्चे सुन रहे थे कि भालू की पूंछ किसलिए नहीं होती है, तो उसने कहानी बना के चतुर्थ मदारी उसने बना के सुना दी। तो कह रहा है कि तदा पर्यंतम तब से एव मने ही भालू के वंश में कस्यापि किसी की भी पुच्छम न भवति, पूछ नहीं होती है। इति कथयित्वा अहि तुंडिक है तूषणीम भवति, इति कथयित्वा अहि तुंडिक है तूषणीम भवति, इति ऐसा कथित्वा कहकर अहि तुंडिक है मदारी तूषणीम भवति चुप हो जाता है या शांत हो जाता है। बाला तस्मै पणकम रूपयकम अन्नानी च यच्छन्ति, बाला बच्चे तस्मै उसे पणकम पैसे रूपयकम रूपये च माने और अन्न आदि अन्न यच्छन्ति देते हैं, यच्छन्ति माने देना, तो बच्चे उसे पैसे रुपये और अन्न देते हैं। कई लोग आटा भी दे जाते हैं, अनाज भी दे जाते हैं, उसी तरह से अहि तुंडिक है डमरू शब्दम कृत्वा अग्रे गच्छति, मदारी डमरू की आवाज़ करता हुआ, ये डमरू बजाता हुआ, ये डमरू का शब्द करता हुआ, कृत्वा करता हुआ अग्रे गच्छति आगे चला जाता है। मदारी डमरू बजाता हुआ, ये डमरू की शब्द आवाज़ करता हुआ, ये डमरू का शब्द करता हुआ आगे, अग्रे माने आगे गच्छति चला जाता है। बच्चों आपका ये आज पाठ पूरा हो गया है, इसकी वीडियो ज़रूर देखना, आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगेगी, इसकी कहानी अच्छी लगेगी। ओके, ये आपका बुक वर्क मैंने भेज दिया है, क्वेश्चन आंसर भी भेज दूंगी बच्चों, वर्कशीट भी भेज दूंगी, उसको आप कर लेना। ओके।